नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं जितेंद्र टवर मलानी उर्फ टोनी। एक छोटी सी स्टोरी अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ी थी, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूं। ये मैं बात कर रहा हूं बीड़, BEED, महाराष्ट्र में एक छोटी सी स्टेट है या टाउन विलेज कह सकते हैं। बीड़ में या बीड़ के आसपास एक न्यूज़ आई थी अभी गूगल न्यूज़ पर, हालांकि 10-12 दिन पुरानी न्यूज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ। कुछ स्ट्रे डॉग्स ने, जंगली कुत्तों ने एक बंदर के बच्चे को मार डाला, जिसको इंग्लिश में मॉलिंग बोलते हैं। अब कहा जाता है, वहाँ के विलेजर्स ने ये कहा था कि वो बंदर इतने गुस्से में आ गए क्योंकि उनके एक छोटे से बच्चे बंदर की जान चली गई थी, मारा था स्ट्रे डॉग्स ने, जंगली कुत्तों ने। अब बंदरों ने बदला लेने के लिए जो छोटे छोटे पपीस थे, यानी कि छोटे छोटे जो कुत्तों के बच्चे थे, डॉग्स पपीस, वो एक एक बच्चे को उठा के या तो ट्री, जो लंबा झाड़ रहता है, उस पर लेके जाते और वहाँ से जाके नीचे फेंक देते थे, या तो घरों के ऊपर जाते, टेरेस पे जाते, ऊंचाइयों पे जाके, हाइट पे, वहाँ से पपीस को, डॉग्स को, छोटे बच्चों को नीचे फेंक देते थे, ऐसे न्यूज़ में आया था। तो कुछ रेप्यूटेड चैनल्स वाले वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने जब जाँच पड़ताल की गाँव से, तो कुछ गाँव वाले ने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है कि बंदर जो है वो बदला लेने की कोशिश कर रहे थे, बट पता नहीं क्या है उसके पीछे कि बंदर छोटे पपीस को लेके जा रहे थे। अब क्यों लेके जा रहे थे ये पता नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजी द मंकीज वॉज हैविंग। अब उनके बदले लेने की भावना थी या क्या था, लेकिन वो पपीस को लेके जा रहे थे, इतनी गारंटी है, वो विलेजर्स ने कन्फर्म किया उसको। अब कुछ विलेजर्स का मानना था कि जानबूझ के पपीस को ऊपर ऊँचाइयों से फेंक नहीं रहे थे, बट वहाँ से पपीस खुद ब खुद गिर जा रहे थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि पहली बात तो मंकीज उन छोटे छोटे पपीज को लेके क्यों जा रहे थे वहाँ पे। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि नहीं, उनके मन में एक बदले की भावना जागी थी कि आप कुत्ते लोगों ने, यानी कि स्ट्रे डॉग्स ने हमारे एक छोटे से बंदर को मारा था, अब हम बदला लेंगे ताकि जितने भी, अच्छा ये और भी कहानी इसके पीछे एक और एडिशन थी कि जितने भी छोटे छोटे पपीज थे वो बीड एरिया में, अब वो सब के सब गुम हो चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं शायद। अब कुछ गांव वालों की एक कहानी है, दूसरे गांव वालों की दूसरी कहानी है, बट ये गूगल न्यूज़ में आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। लेकिन अगर इसको हम सच मान के चलें कि मंकी सच में बदले की भावना लेके अगर छोटे छोटे पप्पीज को ऊंचाइयों पर लेके जाके वहाँ से फेंक देते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि मंकीज का जो दिमाग है वो इंसानों जैसा चलता है। बस इस बात के लिए मैंने सोचा था एक बात आपसे शेयर कर लूँ कि जेलसी की भावना, बदले की भावना इंसानों में नहीं, जानवरों में भी शायद पाई जाती है। तो दोस्तों, वापस मैं आपसे मिलूंगा एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक छोटी छोटी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे मैं और मेरी जो टीम है वो। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट पास कर सकते हैं, और ज़्यादा वीडियोस अगर आपको देखने हैं, दुनिया भर के इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, तो www.newstv.co.in पे आप देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम मेंशन करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच।